हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड लव। आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुआ आलू की सब्ज़ी। ये बहुत इजी रेसिपी है, ये नॉर्थ इंडिया की बहुत फेमस रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पैन गरम करके उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालें, एक चौथाई चम्मच जीरा डालें। जीरा चटक जाए तो उसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी और लाल मिर्च डालें, कुछ कसा हुआ अदरक डालें, दो हरी मिर्ची डालें कटी हुई, और इसे करीब आधा मिनट के लिए मीडियम गैस पर भून लें। यहाँ पे मैंने एक बथुए की गड्डी को उबाल के पानी निकाल लिया है, देखिए इस तरह से। अब इसे अच्छे से मिला लें मसाले में और 2 से 3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर इसे चला लें। सो बेसिकली हम इसे स्टिर फ्राई कर रहा है हमने इसको। अब मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू उबले हुए मैश करके डाले हैं। इस सबको अच्छे से मिला लें, ये देखिए अच्छे से मिला लें। अब मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है और नमक डाला है स्वाद अनुसार, और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाला है और आधा नींबू का रस डाला है। आप चाहें तो आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं नींबू की जगह। इस सबको अच्छे से मिला लें और करीब आधे मिनट के लिए चला लें। अब अपनी लिड रख के करीब 2 से 3 मिनट हल्की गैस पे से पकने दें। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से बन गई है। एक बार चला लें तो अब देखिए बथुआ आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और इस तरह की ईजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।